दोस्तों नमस्कार, इतिहास श्रृंखला एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वीडियो एक दूरदर्शी खोजकर्ता फ्रेडिनेंड मैगलन के बारे में है। हाँ जी, वही फ्रेडिनेंड मैगलन जो दुनिया के पहले ऐसे नाविक थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। फ्रेडिनेंड मैगलन के अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पाइस द्वीप समूह यानी कि स्पाइस आइलैंड्स जो इंडोनेशिया में हैं के लिए पश्चिम की ओर से एक मार्ग को खोजना था। ये स्पाइस आइलैंड्स लौंग, जायफल, दालचीनी सहित अन्य मूल्यवान मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मैगलन के समय में यानी 16वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में इन मसालों की अत्यधिक मांग थी और यह व्यापार बहुत ही लाभदायक था। मैगलन का लक्ष्य इन स्पाइस आइलैंड्स के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित करना था जो ओटोमन साम्राज्य या पुर्तगाल द्वारा नियंत्रित भूमि मार्गों को से अलग हो। उस समय तक मसालों का व्यापार ज्यादातर जमीनी मार्ग से होता था। समुद्री मार्ग से इन मूल्यवान मसालों को प्राप्त करने की लागत कम आएगी, जिससे मसाला व्यापार में प्रतिस्पर्धा लाभ भी उनको मिलेगा। मैगलन का मानना था कि यदि पृथ्वी वास्तव में गोल है तो वह अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा करते हुए नई दुनिया के अज्ञात जल के माध्यम से वह स्पाइस द्वीप तक पहुंच सकता है। उनका यह अभियान पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग खोजने का एक साहसिक प्रयास था और इस एक्सप्लोरेशन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि मैगलन स्वयं यह यात्रा पूरी नहीं कर सका क्योंकि वह फिलीपींस में युद्ध में मारे गए थे। हालांकि उनके जीवित अधिकारियों के नेतृत्व में उसके अभियान ने अंततः दुनिया की पहली रिकॉर्डेड जल यात्रा पूरी की और इस प्रकार स्पाइस आइलैंड्स के लिए एक नया मार्ग खोजने का उनका लक्ष्य पूरा हुआ। इस कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी के शुरुआत में होती है जब दुनिया एक विशाल और रहस्यमय जगह थी। फ्रेडिनेंड मैगलन जो कि एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था एडवेंचर का। वह अक्सर लिस्बन के तट पर खड़े होकर अटलांटिक महासागर के अंतहीन होराइजन को देखते थे। यह वह समय था जब दुनिया यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी, यानी कि इन्हीं के बारे में जानती थी और नई दुनिया के अज्ञात क्षेत्र या तो मिथक या सिर्फ कहानियों में ही बयां होते थे। फर्डिनेंड एक दूरदर्शी व्यक्ति था जो पृथ्वी के रहस्यों को जानने की अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित थे। उनका एक सपना था स्पाइस आइलैंड्स, जो कि उस समय एक अकथनीय धन की भूमि थी, के लिए पश्चिम की ओर से जाने वाला मार्ग खोजना था। मैगलन का जन्म 1480 के आसपास पुर्तगाल में हुआ था और उनका पालन पोषण एक नोबल फैमिली में हुआ। अपने सपने को साकार करने के लिए 1517 में मैगलन ने स्पाइस द्वीप की खोज के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई और उसका समर्थन के लिए स्पेन का रुख किया। 1518 में स्पेन ने मैगलन की यात्रा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, परंतु टॉर्सेडिलस की संधि के परिणाम स्वरूप स्पाइस आइलैंड्स के लिए पूर्वी मार्गों पर विशेष रूप से पुर्तगाल का अधिकार था। अब यह टॉर्सेडिलस की संधि क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस संधि की वजह से मैगलन के अभियान को मंजूरी देने के लिए एक संयुक्त स्पेनिश पुर्तगाली आयोग की स्थापना की गई। पुर्तगाल और स्पेन की बातचीत के बाद स्पेन ने मैगलन को त्रिनिदाद, सैन एंटोनियो, कॉन्स्पिरेशन, विक्टोरिया और सेंटियागो सहित 5 जहाजों का एक बेड़ा प्रदान किया। ये जहाज 270 से अधिक लोगों के दल के साथ खतरनाक और रहस्यमय यात्रा के लिए आपूर्ति और अन्य संसाधनों से सुसज्जित थे। मैगलन को अभियान के कप्तान जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें यात्रा के लिए समग्र अधिकार और जिम्मेवारी दी गई थी। 20 सितंबर 1519 को लिस्बन पुर्तगाल से रवाना हुए बेड़े की यात्रा शुरू से ही चुनौतियों से भरी थी। जैसे ही उन्होंने अटलांटिक के खतरनाक पानी में अपने यात्रा शुरू की, तूफान और विद्रोह ने अभियान को छिन भिन करने की चुनौती दी। फिर भी मैगलन के अटूट दृढ़ संकल्प और नेतृत्व ने उन सबको एकजुट बनाए रखा। हालांकि मैगलन के सख्त अनुशासन और चुनौतियों के बावजूद पश्चिम की ओर बढ़ते रहने के उनके आग्रह के कारण उनके सदस्य दल के कुछ सदस्यों में असंतोष पैदा हो गया था। यह असंतोष एक विद्रोह में बदल गया, लेकिन मैगलन विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, परंतु इसने अभियान की सफलता के लिए आंतरिक खतरों को उजागर किया। और इन सब चुनौतियों के बावजूद
मेगलन दिसंबर 1519 में ब्राजील तक पहुंच गए। पुर्तगाल से ब्राजील तक मेगलन की यात्रा उनके ऐतिहासिक अभियान के प्रारंभिक चरण को चिन्हित करती है। कई हफ्तों तक समुद्री यात्रा के बाद मेगलन का बेड़ा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचा। ब्राजील के सेंटा कैटरीना क्षेत्र में पहुंचने के बाद मेगलन के दल की पहली मुलाकात वहां के स्वदेशी लोगों के साथ हुई। उन्होंने वहां स्थानीय तुपिन नाम्बा जनजातियों के साथ आपसी घोलमेल करने की कोशिश की। शुरू में यह व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, लेकिन बाद में तनाव पैदा हो गया जिससे संघर्ष की नौबत आ गई। उन्होंने वहां स्थानीय संसाधनों के बदले यानी खाने पीने की चीजों के बदले यूरोपीय वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए स्वदेशी लोगों के साथ व्यापार किया। ब्राजील में रहने के बाद और अपने बेड़े के लिए साजो सामान लेने के पश्चात उन्होंने दक्षिण अमेरिका के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः उस स्थान के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए जिसे मेगलन स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यात्रा के इस चरण ने उनकी खोज को और अधिक चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक चरणों के लिए मंच तैयार किया। उनके यहाँ तक 3 जहाज खत्म हो चुके थे और उन्होंने मेगलन स्ट्रेट के थ्रू गुजरते हुए स्पाइस द्वीप की खोज को जारी रखते हुए प्रशांत महासागर के अंदर कदम रखा। नवंबर 1520 में उनका जहाज प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह एक ऐसा समुद्र था जो उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। दिन सप्ताहों में सप्ताह महीनों में बदल रहे थे और चालक दल को भूखमरी और निराशा का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर मेगलन ने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। तूफानों से जूझते हुए अज्ञात द्वीपों की खोज करते हुए ये अभियान लगातार प्रशांत महासागर को पार करते हुए 3 लंबे साल तक चलता रहा और अंततः 1521 में वे स्पेस आइलैंड्स पहुंचे जो उस समय लौंग जायफल जैसे मसालों से एक समृद्ध भूमि थी। वहां पहुंचने पर वे चालक दल सहित अपनी सभी कठिनाइयों को भूल गए क्योंकि अब उनके सामने दुनिया के सबसे कीमती भंडारों में से एक स्पाइसेस अवेलेबल थे। हालांकि उनकी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई। मेगलन और उसके दल का कुछ क्षेत्रों में स्वदेशी शासकों द्वारा स्वागत किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें प्रतिरोध और संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। 27 अप्रैल 1521 को मेगलन की मैक्टन द्वीप जो अब फिलीपींस में है एक झड़प के दौरान एक जहरीले तीर से मौत हो गई। मेगलन की मृत्यु के बाद इस अभियान का नेतृत्व जुआन सेबेस्टियन एल्केनो ने किया। उन्होंने बचे हुए लोगों के साथ जहाज में बैठकर स्पाइस आइलैंड्स विशेष रूप से टिडोर और टर्नरोर जो कि मोलुकस के द्वीप समूह के आसपास हैं वहां से रास्ता लेते हुए आगे बढ़े। यहाँ उन्होंने मेगलन के मूल उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने जहाजों को कीमती मसालों से भर लिया था। मसालों से भरे जहाजों के साथ यह अभियान अब इंडोनेशिया से स्पेन की वापसी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। मसालों से भरे जहाजों के बेड़े ने हिंद महासागर होते हुए केप ऑफ गुड होप को पार किया और सितंबर 1522 में जुआन एल्केनो की कमान के तहत विक्टोरिया जहाज स्पेन वापस आने पर दुनिया की परिक्रमा करने वाला पहला जहाज बन गया। इस अभियान ने मूल 5 जहाजों में से 4 और उसके अधिकांश चालक दल के नुकसान के बावजूद पृथ्वी का चक्कर लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली थी। हालांकि मेगलन स्वयं दुनिया की यह रहस्यमयी जल यात्रा पूरी नहीं कर सका, फिर भी उन्हें दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले कप्तान के खिताब से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद जुआन एल्केनो ने विक्टोरिया की कमान संभाली और इस तरह दुनिया की पहली जल यात्रा पूरी की। आज के समय जो नाविक दुनिया का सफलतापूर्वक चक्कर लगाते हैं उन्हें ऑर्डर ऑफ मेगलन से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में जनरल डगलस मार्क ऑथर और अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।